तुम सब लोग क्लासरूम के बाहर क्या कर रहे हो? अभी तो क्लास चल रही है ना? वो मैम, वो हम लोग वॉशरूम जा रहे थे। सबको एक साथ वॉशरूम लग गई? वो मैम, मोंटी को वॉशरूम अकेले जाने में डर लग रहा था। डर? डर किस बात का? मैम, कल रात मोंटी ने सपने में भूत देखा। उसे भूत से बहुत डर लगता है। भूत से डर? भूत भूत कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, समझे? मैम सच में मैं रात में बहुत डर गया था, मैं तो रो पड़ा था, मैं इतनी तेज डर गया था, मुझे हर जगह भूत दिखती है। ये सब तुम लोगों के बहाने हैं, चलो जाओ क्लासरूम में। मैम प्लीज़ प्लीज़ किसी को तो भेज दीजिए, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मैम प्लीज़। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे, जो मेरी पहेली का जवाब देगा वही मोंटी के साथ उसके साथ वॉशरूम जाएगा, ठीक है? ओके मैम। अच्छा तो ये बताओ, अगर एक टोकरी में 10 आम रखे हैं, उसमें से 8 आम सड़ गए, तो उस टोकरी में कितने आम बचे? मैम 10 आम बचे। वैसे गुल्लू, 10 आम कैसे बचे जबकि उसमें से 8 आम तो खराब थे? सब गलत, किसी में भी दिमाग नहीं है, कोई नहीं जाएगा मोंटी के साथ वॉशरूम। क्या मैम, उस टोकरी में 10 आम थे, उसमें से 8 आम खराब थे, तो टोकरी में आम तो 10 ही रहेंगे ना, वो खराब आम केले थोड़ा बन जाएंगे। हाँ सही है, शाबाश गुल्लू, तुम बहुत समझदार हो, तुम मोंटी के साथ वॉशरूम जा सकते हो। अब बाकी लोग अपनी क्लास में जाएं, चलो जल्दी जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एप्रिशिएशन। चल मोंटी, वॉशरूम चलते हैं, बड़ी तेज लग रही है।